अध्यापकों में सरस्वती वास होती है, पर जो सर ने किया उनके अंदर सरस्वती नहीं शैतान वास करता है। उन्होंने मजहबी मुद्दे को उभारा है। मैं हमेशा की तरह क्लास में हिजाब लगा कर गई, जिससे सर आते ही मुझसे पूछे कि ये तुम क्या लगाई। हमने कहा कि हमने हिजाब लगाया हुआ है। उन्होंने कहा इस टाइम जो कर्नाटक में हो रहा है गर्ल्स मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, उस तरह का नियम अपने यूपी में भी लागू होना चाहिए। हमने कहा सर ऐसा क्यों। उन्होंने कहा कि अपने टीडी कॉलेज में भी ऐसा नियम लागू होना चाहिए और यहाँ पर बिना हिजाब के लड़कियों को आना चाहिए और जो लड़कियाँ यहाँ हिजाब ओढ़ कर आती हैं उनका हिजाब उतार कर फेंक देना चाहिए। तो हमने कहा कि सर जब एक आईएएस अफसर, अपनी इंडिया की एक आईएएस अफसर साड़ी पहन कर सर पर हिजाब रख सकती है तो सर हम क्यों नहीं। ये मेरा अधिकार है, ये मेरा राइट्स है। हम इंडिपेंडेंट हैं कि हम कुछ भी पहन सकते हैं। हम तो ड्रेस भी पहन कर आते हैं। अगर जो दुपट्टा हमने कंधे पर रखा अगर वो हमने सर पे रख लिया तो इसमें गलत क्या है। जब एक आईएएस अफसर अपनी इंडिया की साड़ी पहनकर सर पर हिजाब रख सकती है तो मैं क्यों नहीं रखती, रख सकती। तो सर ने ये कहा कि तुम भी पागल हो और वो भी पागल है, बेवकूफ़ हैं वो लोग, उनमें बुद्धि नहीं होती। उन्होंने भारतीय संस्कृति पर भी सवाल उठा दिया कि वो भी पागल है। उन्होंने एक आईएएस अफसर का सम्मान नहीं किया। क्या के क्लास से बाहर निकाल दिया? उन्होंने तुरंत हमें क्लास, उन्होंने कहा ज्यादा बकवास मत करो और तुरंत उन्होंने मेरा अपमान किया और उन्होंने कहा हिजाब लगाने वाली लड़कियों का अधिकार नहीं है क्लास करने का, उनको एजुकेशन का कोई अधिकार नहीं, उन्हें स्कूल नहीं आना चाहिए, उन्हें निकाल देना चाहिए स्कूल से। उन्होंने तुरंत हमें क्लास से बाहर निकाल दिया। क्या किसी कंप्लेंट की इस मामले को लेकर? अभी हम इसकी कंप्लेन करेंगे। क्या नाम है? जरीना खान। इसमें पकड़ा है छात्रा ने कुछ आरोप लगाया है, आरोप क्या है और क्या इसमें सामने आया है? दिनांक 9 फरवरी की घटना बताई जाती है जिसका संज्ञान मुझे मीडिया के माध्यम से मिला है। छात्रा के द्वारा हमें कोई लिखित इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। आज छात्रा के पिता हमसे मिलने आए थे, उन्होंने बताया कि शायद कल किसी पॉलिटिकल साइंस की क्लास में कोई ऐसी घटना घटी जो हिजाब को लेकर के थी, लेकिन चूँकि हमारे कॉलेज में बच्चों के लिए ड्रेस कोड लागू किया गया है, छात्राओं के लिए सफ़ेद सलवार सूट है और छात्रों के लिए सफ़ेद शर्ट की व्यवस्था की गई है ताकि कॉलेज में हमारे पठन पाठन अनुशासन का माहौल रहे और बाहरी जो विघटनकारी तत्व हैं या अवांछनीय तत्व हैं कॉलेज में प्रवेश न कर सके उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। चूँकि मामला मीडिया के माध्यम से ही संज्ञान में आया है तो मैं इसकी जांच करवाता हूं और मैंने छात्रा को और छात्रा के पिता को और संबंधित व्यक्ति को बुलवाया है और देखता हूं पहले पूरे प्रकरण की जांच करता हूं, फिर आगे जो उचित होगा वो कार्रवाई की जाएगी। तो शिक्षक कौन है जिनके ऊपर आरोप लगा? अब छात्रा कौन सा मामला, पॉलिटिकल साइंस का कोई डॉक्टर प्रशांत कुमार हैं उनके ऊपर आरोप का मामला है, लेकिन मैं पहले इस पूरे मामले के तहत जब तक मुझे लिखित इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक मैं कोई कार्रवाई तो कर नहीं सकता हूँ। अभी तक मेरे पास लिखित कोई किसी तरह का कोई एप्लीकेशन नहीं आया है। तो जांच किस लेवल पर चल रही है, कौन कर रहा है जांच? पहले पूरे मामले को जानना बेहद ज़रूरी है कि मामला प्रकरण है क्या, क्या हुआ घटना के तह तक पहुँचने के लिए। जब पहले हम दोनों पक्षों की बात जान लें, आरोप लगाने वाले के लिए और जिस पर आरोप लगा है,
तत्पश्चात हम उस पर कार्रवाई करेंगे।